मुंबई के बोरीवली पूर्व स्थित कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन की हद में दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी करने वाले शातिर आरोपी को महाराष्ट्र के अहमदनगर से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम विकास सोमा पवार 20 वर्षीय है, जिसके पास से चोरी किया हुआ 75.66 ग्राम सोने का गहना बरामद किया गया है, जिसकी कुल कीमत करीब 2,16,000 है। वही आने वाले दीपावली त्योहार पर सोने के गहने और महंगे कपड़े खरीदने के साथ घर में सीसीटीवी जरूर लगाएं। इस प्रकार का आह्वान पुलिस ने किया है। कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल आभार ने ये बताया है कि कस्तूरबा पुलिस स्टेशन की हद में दिन दहाड़े एक चोरी की वारदात हुई थी, जिसकी शिकायत दर्ज करने के बाद मामले की जांच डिक्टेशन अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक ओम टोटावार और उनके सहयोगी पुलिस उप निरीक्षक राहुल वांजुलकर कर रहे थे। दोनों पुलिस अधिकारियों ने आसपास के इलाके में लगे 75 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच की है। जांच में आरोपी की पहचान विकास पवार के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपी विकास को कॉपर गांव से गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी किया हुआ सोने के गहनों से मंगलसूत्र 8.54 ग्राम, झुमका 2.960 ग्राम, लॉकेट 1.98 ग्राम, चूड़ी 40 ग्राम, चैन 15 ग्राम, अंगूठी 5.27 ग्राम, झुमके का टम्स 1.961 ग्राम सहित कुल 75 ग्राम 666 मिलीग्राम सोना जब्त कर लिया। आरोपी विकास के ऊपर मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दिन दहाड़ी चोरी के कई मामले दर्ज है। यह आरोपी आदतन चोरी की वारदात को अंजाम देता था। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। 12 सितम्बर को हमारे कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन में गुना दर्ज हुआ है। कंप्लेनेंट है सुहास रामचंद्र भट्टे, उम्र है उनकी 80 साल, तारा निवास दत्तापाड़ा क्रॉस नंबर 1 में वो रहते हैं। वहाँ उनके घर में HBT मतलब हाउस ब्रेकिंग हुआ है, डे हाउस ब्रेकिंग, और उनमें लगभग 7.5 तोला 75 ग्राम का दागिना सोने का गहना ये चोरी हो गया है, किसी ने चुराया है। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हुआ। चैलेंजिंग इसीलिए कि आसपास में कहीं CCTV नहीं है। तो हमारे टीम जो हमारे डिटेक्शन टीम है PSI वालुंजकर, API तोटावर और उनके साथ में साथी, तो इन्होंने जीत छोड़ी नहीं है। हमने DCP साहब, गर्गे साहब, एडिशनल CP साहब, हमारे मिश्र साहब और ACP साहब, सबके साथ हमने डिस्कस किए और इसका फॉलोअप के लिए हमने स्पेशल टास्क बनाया, 3-4 टीम बनाया। लगभग 75 कैमरे हमने 8-15 दिन में चेक किए। मालाड़ तक हमने ये कैमरे चेक करने के बाद हमें एक सुराग मिला और वो सुराग से आरोपी डिटेक्ट हुआ। आरोपी डिटेक्ट हुआ तो जो हमारे चेहरे पे खुशी आती है वो तो दिवाली बोनस से कम नहीं होती है। तो ये आरोपी डिटेक्ट होने के बाद उसका हमने लोकेशन लिया। उसमें हमारी बड़ी उपलब्धि के लिए कलीम शेख हमारे टेक्नीशियन हैं, साइबर टेक्नीशियन, उनकी हमेशा सहायता मिलती है हमें। ये आरोपी का लोकेशन हमें अहमदनगर का मिला। लोकेशन भी चेंज होता, पारदी समाज के बीच में रह के ये आरोपी दिखने में सरल है लेकिन बहुत सफाई से काम करता है। अहमदनगर से हमने 3 दिन फील्डिंग लगा के उसको ताबे में लिया। उसको 9 अक्टूबर को हमने अरेस्ट किया। लगभग 12 तारीख तक उनको पुलिस कस्टडी मिली है। उसके पास से हमने 7.5 तोला यानी कि 75.666 ग्राम का सोना हस्तगत किया है, रिकवर किया है। ये 100% उपलब्धि है, 100% रिकवरी है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या, क्यों चोरी करता था? आरोपी चोरी क्यों करता है तो वो केवल एक ही मकसद है, पैसे के लिए, नशे का। और उसके माँ बाप गुजर गए हैं बोल रहे हैं, तो उसका एक भाई है वो पढ़ाई कर रहे हैं, और भाई के पढ़ाई के लिए चोरी करना ये तो समझता नहीं है क्योंकि उसके पढ़ाई के लिए बहुत हाथ आगे आते हैं हेल्प के लिए, लेकिन इसका मकसद ही चोरी करना है और उसके पीछे दूसरा कोई मकसद नहीं है। कितनी पुलिस स्टेशनों में अभी तक मामले दर्ज है इसके खिलाफ? इसने नालासोपारा, विरार, मालाड़, मुंबई सेंट्रल आदि पुलिस स्टेशन में चोरी की है। पुलिस स्टेशन के प्रीमाइसेस जुरिस्डिक्शन में उन्होंने चोरी की है, वो पकड़ा भी गया है। और ये विरार में काफ़ी टाइम रहता था इसलिए विरार का टोपोग्राफी उसको अच्छी तरह से मालूम है,
और माल की हमने रिकवरी किए हो विरार से की है। मोडस ऑपरेंडिस क्या है सर, किस तरीके की चोरी दिन दहाड़े कैसे करता है? वो बिल्कुल अकेला जाता है, स्क्रू ड्राइवर रहता है, एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर रहता है उसके सहारे वो पहले झाड़ी मारता है। ऐसा आप बिल्डिंग में जाता है तो आपको शक नहीं आएगा कि ये चोर है। अवेयरनेस की बात की जाए तो किस तरीके से अवेयरनेस देंगे सर? अवेयरनेस की बात है, मैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे भाई और बहनों को हम्बल रिक्वेस्ट, तहे दिल से मैं उनको एक निवेदन करता हूँ कि दिवाली में तो हम सब कॉस्टली गहने, कॉस्टली कपड़े खरीदेंगे, खाने पीने के सब सामान खरीदेंगे, मौज मजा करेंगे, लेकिन हम खुद के लिए कुछ करें ऐसी मेरी ओर से इच्छा है मेरी और मेरे पुलिस कर्मियों की ओर से एक इच्छा है कि हर फैमिली ने मिनिमम एक CCTV खरीदे और लगाए। ये बहुत बड़ी समस्या का हल होगा। हर टाइम पुलिस कैमरा ढूंढती है, कैमरा नहीं मिलता है, और आज के तारीख में CCTV एक सबसे प्यारा और इम्पोर्टेंट माध्यम बना है, उसके सहारे हम चोर को पकड़ सकते हैं। इसीलिए सबसे निवेदन है कि हर कुटुंब ने, हर फैमिली ने एक CCTV लगाना बहुत ज़रूरी है।